हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक कॉन्सेप्ट बाय जितेश सर। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट ऑफ समर 2023 ऑफ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ कैम। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो कैम का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कैम की डेफिनेशन पढ़नी है, एप्लीकेशंस पढ़नी है और कैम के जो फ्यूचर स्कोप है वो आपको पढ़ना है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो एनसी, सीएनसी और डीएनसी के बारे में है। इसके अंदर आपको देखिए एनसी का, अब तीनों के डेफिनेशन तो पढ़ने हैं। देखो एनसी का डेफिनेशन आ गया यहाँ पे, नीचे आगे जाके देखिए सीएनसी का डेफिनेशन आ गया और आगे जाके यहाँ पे डीएनसी का भी डेफिनेशन आ गया। तो डेफिनेशन तो आपको पढ़नी है, उसके बाद एनसी के आपको एडवांटेज पढ़ने हैं, साथ साथ लिमिटेशंस भी पढ़ने हैं। लिमिटेशंस इस पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये पुराना हो चुका है, तो उसके ज़्यादातर डिसएडवांटेजेस के कारण ही वो पुराना हो चुका है, ठीक है। और आजकल तो कोई ज़्यादातर यूज़ भी नहीं करता ये एनसी मशीन्स, ठीक है। उसके कंपोनेंट्स के नाम आपको लिखने हैं, उसके यूज़ भी, कि उस टाइम पे जो जो कंपोनेंट उसके यूज़ भी क्या है, और ब्लॉक डायग्राम। अब ये देखिए ब्लॉक डायग्राम जहाँ पे भी आए आपको खास पढ़ना, पूरे कैम के जितने भी आपको टॉपिक है उसमें अगर ब्लॉक डायग्राम का कोई भी टॉपिक है तो आपको खास पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ पे नेक्स्ट टाइम से देखिए मैं आईएमपी यहाँ पे नहीं लिखूंगा, वो आईएमपी ही है, ऐसा आप मान लेना, ब्लॉक डायग्राम, ठीक। अब एनसी के ब्लॉक डायग्राम आए तो वैसे सीएनसी के ब्लॉक डायग्राम आ गए और आपको डीएनसी के भी ब्लॉक डायग्राम देखिए दिखाई दे रहे हैं। कुछ फीचर्स है डीएनसी के वो पढ़ने हैं, और डीएनसी में आपको एडवांटेज पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट टॉपिक है तो आपको छोड़ देना है। कंपैरिजन, अब कंपैरिजन के देखिए कितने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, यानी कि ये क्वेश्चंस आना ही है, ये फिक्स हो गया हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपैरिजन, यानी कि जो एनसी सीएनसी और डीएनसी के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको पढ़ के जाना है। फिर सीएनसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। सो कुछ एडवांटेज भी पूछते हैं देखिए और डिसएडवांटेज भी पूछते हैं सीएनसी मशीन्स के। उसके बाद सीएनसी मशीन्स के जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी आपको पढ़ने हैं, देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया सीएनसी मशीन्स के। और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये ज़्यादातर आप देख सकते हो कि विंटर में ज़्यादा पूछने के चांसेस है, और समर में पूछा है तो बहुत पहले पूछा है, लेटेस्ट पेपर में ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आप किसी को ये नहीं पढ़ना है तो आप ये टॉपिक को छोड़ सकते हो, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या है, इसके अंदर आपका सबसे पहले रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सीएनसी मशीन्स, ठीक है। उसके बाद अंदर जो कुछ और भी क्लासिफिकेशंस है, जैसे कि मोशन कंट्रोल सिस्टम के क्लासिफिकेशंस, ठीक है, मोशन कंट्रोल सिस्टम के यहाँ पे भी नाम लिखने हैं। उसके बाद ये मोशन कंट्रोल सिस्टम में जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट मोशन और कंटिन्यूस पाथ, ये भी आता है, तो ये वाला टॉपिक आप पढ़ के जाना, ये आ सकता है। और इसके बाद देखिए ब्लॉक डायग्राम का आया है, यहाँ पे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम उसके ब्लॉक डायग्राम के साथ है, तो ये टॉपिक आपको खास पढ़ना है। उसके बाद देखिए फीडबैक कंट्रोल के हिसाब से आपको कंपैरिजन और पूछ सकते हैं, या डिफरेंस भी आ सकता है फीडबैक कंट्रोल के हिसाब से, ठीक है। कंपैरिजन डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन क्या पूछा है, ओपन लूप जो कंट्रोल सिस्टम है और क्लोज, यानी एक तरह का फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। फिर एक और कंपैरिजन यहाँ पे पूछ सकते हैं, एब्सोल्यूट वर्सेस इंक्रीमेंटल, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स रहते हैं उसमें ये रहा इंक्रीमेंटल एब्सोल्यूट, ये भी आने के चांसेस तो है। इसके बाद हम आ जाते हैं बेसिक एलिमेंट्स, सीएनसी मशीन्स के जो जो एलिमेंट्स है वो आपको पढ़नी है, क्योंकि सीएनसी के बारे में है ये पूरा, और उसका कंस्ट्रक्शन आपको कोई भी एक का एक्सप्लेन करना है और वर्किंग एक्सप्लेन करना है स्केच के साथ, ठीक है। सेम क्वेश्चन 17 भी है। इसके बाद आ जाते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है सीएनसी मशीन्स के जो फीचर्स है, कंस्ट्रक्शन फीचर्स ये है, ये पढ़ने हैं, और एमसीयू के जो चार फंक्शन है वो पढ़ने हैं, और उसका ब्लॉक डायग्राम। अब आ जाते हैं स्पिंडल ड्राइव्स और एक्सिस ड्राइव्स के ऊपर। अब स्पिंडल ड्राइव और एक्सिस ड्राइव में भी कुछ क्वेश्चन देखे, ये स्पिंडल ड्राइव के कुछ क्वेश्चन है और ये एक्सिस ड्राइव के क्वेश्चन है, और साथ में कभी कभी स्पिंडल ड्राइव के साथ में भी आ जाता है एक्सिस ड्राइव। और लीनियर मोटर यूज इन सीएनसी इन ब्रीफ, या आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक निकल जाएगा और फिर आ जाएगा 2.4 वाला टॉपिक। अब इसके अंदर देखिए जो एलिमेंट्स है सीएनसी मशीन्स के, इसमें सबसे पहला एलिमेंट्स है स्लाइडवेज, और स्लाइडवेज पे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्लाइड पूछ सकते हैं एग्जाम में, और लीनियर बैरिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर एक और एलिमेंट आता है रीसर्कुलेटिंग बॉल्स को। अब रीसर्कुलेटिंग बॉल्स को देखिए
इतने क्वेश्चंस पूछे हैं पास्ट में रीसर्कुलेटिंग स्क्रू एंड नट पे, बॉल स्क्रू पे, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर भी देखिए, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फीड ड्राइव मैकेनिज्म, ये फीड ड्राइव मैकेनिज्म है, तो ये आगे आपने जैसे पढ़ा था वैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके रिलेटेड ही है। फिर फीडबैक डिवाइसेस अगेन आए, देखिए इसमें खास करके फीडबैक डिवाइसेस में एक तो ट्रांसड्यूसर्स रहेगा और एनकोडर्स रहेगा, तो फीडबैक डिवाइसेस आपको एक्सप्लेन करने हैं, ये दोनों जो टॉपिक है, ट्रांसड्यूसर्स और एनकोडर्स। इसके बाद एक जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है ATC, ऑटोमेटिक टूल चेंजर, और इसके साथ साथ एक ATC के साथ साथ APC भी है, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाले सारे क्वेश्चंस ATC के रिलेटेड है और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और APC ये रहे APC वाले, ठीक है, ये रहता है ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर, ठीक है। सो ये मैं इम्पॉर्टेंट में डालता हूँ, ऊपर वाला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद प्रीसेट टूल्स है, ये आपको पढ़ना नहीं पढ़ना वो आपकी मर्जी है। इसके बाद एक क्वालिफाइड टूल, देखे कितनी बार पूछा है ये, ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, जो क्वालिफाइड टूल्स इन CNC मशीन। फिर ये सब आप छोड़ सकते हो थोड़ा बहुत, हाँ एक्सिस डेजिग्नेशन आप देखो यहाँ पे कितनी बार पूछा, यहाँ से पता चल जाता है कि ये सारे जो है, अब इसमें अलग अलग मशीन है, ठीक है, जैसे कि लेथ का भी एक्सिस डेजिग्नेशन पूछ सकते हैं, फिर ड्रिलिंग मशीन का आ सकता है, और भी है CNC टर्नर, तो वही हो गया टर्निंग सेंटर, ये रहा देखिए एक VMC पूछ सकते हैं, और ये रहा ये भी VMC है, ठीक है। सो मतलब कितने मशीन हो गए, देखिए लेथ हो गया, ड्रिलिंग हो गया और एक मिलिंग हो गया, तीनों मशीन के एक्सिस डेसिग्नेशन आपको पढ़ने हैं, इसमें से एक तो फिक्स है, वो आएगा ही आएगा। चलिए अब मूव ऑन होते हैं चैप्टर नंबर 3 CNC मशीन्स पे। इसमें टर्निंग सेंटर्स में आएगा सबसे पहले, सो जो उसके डिफरेंट टाइप्स है वो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद जो CNC टर्निंग सेंटर के जो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस है वो पढ़ने हैं। इसके बाद यहाँ पे भी वर्क होल्डिंग डिवाइस के इसका वर्किंग यहाँ पे पूछा है, स्केच भी पूछा है और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे पूछा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाता है, इसके लिमिटेशंस और एडवांटेज, ये ज़्यादातर तो नहीं पूछे, एक ही बार एक आध बार कभी पूछा है, ठीक है, पर वर्क होल्डिंग डिवाइसेस के लिस्ट और उसका वर्किंग ये सब आप पढ़ लेना, उसके स्केच वेज आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्केच का बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में ज़्यादातर स्केचेस आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। अब CNC मशीनिंग सेंटर पे आ जाते हैं, तो उसमें भी वर्क होल्डिंग डिवाइसेस पूछे है, एडवांटेज भी क्या है उसके, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब पूछा है। उसके बाद ये इंटरफेसिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरफेसिंग स्टैंडर्ड्स, ग्राफिक इंटरफेसिंग स्टैंडर्ड्स, रिक्वायरमेंट जो है वो आपको लिखनी है कैड कैम की ग्राफिक इंटरफेसिंग, ठीक है। सो ये एक आप पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट। और इसके बाद कुछ फुल फॉर्म पूछते, देखिए इसमें जैसे कि GKS, IGES, PHIGS, DXF और भी बहुत सारे ये जो फुल फॉर्म पूछते हैं दो दो मार्क्स के अंदर, ठीक है। सो ये सारे फुल फॉर्म्स आप थोड़ा लर्न करके जाना, तो दो मार्क के तो आपको फुल फॉर्म ही हो जाएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है 14 मार्क्स का, उसके अंदर एक क्वेश्चन तो आपको यही दिखेगा। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग, ये पूरे सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब पार्ट प्रोग्रामिंग में कुछ डेफिनेशंस भी है, पार्ट प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं उसके अलावा कुछ थियरी वाले जो टॉपिक है इसके अंदर पार्ट प्रोग्रामिंग के बेनिफिट्स, ये आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। हाँ, ये वाला एक आप खास पढ़ के जाना कि जॉब जीरो और मशीन जीरो क्या आता है, मशीन जीरो, वर्क पीस जीरो, ये वाला जो टॉपिक का ग्रुप है ये खास पढ़ के जाना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए ये फॉर्मेट भी पूछे है, एब्सोल्यूट मेथड, इंक्रीमेंटल मेथड और कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग का मेथड्स आपको एक्सप्लेन करने, यही तो दो मेथड है वो आपको पूछिए अलग से, ठीक है। और ये वाले जो कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, देखिए प्रोग्रामिंग फॉर्मेट स्ट्रक्चर, तो इसके वीडियोस भी अवेलेबल है, आप डायरेक्टली अगर आपके पास ये PDF है तो ये सीधा आप लिंक से उस वीडियो को प्ले कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये सारे जो आप वीडियो के लिंक देख सकते हो ना, एक ही वीडियो है, या आपको इतने क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा, जैसे कि 8 नंबर का मिल जाएगा, 12, 13 और 14, ये चारों क्वेश्चन के आंसर एक ही है, तो एक ही वीडियो में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ जो जी कोड रहता है या एम कोड रहता है वो अलग से उसके बारे में उसका मीनिंग या उसका एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं, जैसे कि G00, तो यहाँ पे
वैसे तो बहुत सारे हैं, पर यहाँ पे मैंने जितने भी आपको यहाँ पे बताया है वो आपको खास करना है। जैसे कि G00 हो गया, G01, 41, 42 पढ़ना है, 43, 44, 90, 91, ये आपको जी कोड खास अलग से पढ़ना है, ठीक है। और एम कोड के अंदर भी देखिए 0308, 0230 और 08 तो ऊपर भी हो गया, ठीक है। ये मैं निकाल देता हूँ 2 मिनट। देखिए तो 02, 03, 08 और 30, ओके सो ये हो गए। तो 4 M कोड है वो आपको खास अलग से पढ़ के जाने हैं। चलिए इसके बाद आ जाते हैं कोई भी 4 G कोड्स, तो वो तो आप ऊपर वाले पढ़े होंगे तो आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक। ओके इसके बाद कैंट साइकिल्स पूछ सकते हैं, यस कैंट साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसके बाद देखिए ये G02, G03 ऊपर हमने कर लिया है पहले, ये भी सेम है। 41, 42 भी आ गया है। अच्छा एक और ये है G72 और G73, ये आपको पढ़ना है, और पढ़ने हैं 94, 95, ठीक है, और 28 वाला पढ़ना है। और G81 तो क्या डीप होल ड्रिलिंग है वो आपको पढ़ना है। टैपिंग साइकिल का G84 है और स्ट्रोक रिमूवल साइकिल G71, ओके सो इतने हैं जी कोड्स। तो ये कुछ जो नीचे वाले जो जी कोड है वो अलग से अलग साइकिल्स के लिए रहते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये डीप होल ड्रिलिंग के लिए स्पेशल जी कोड रहता है G81, तो ऐसे कुछ अलग से जी कोड्स भी है जो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद देखिए ये जो मॉडल और नॉन मॉडल जी कोड एम कोड्स है, तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट देखिए ज़्यादातर ये विंटर में ही पूछे है, तो ये मैं आप पे छोड़ूंगा कि आप इसको पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसको पढ़ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद वेरियस कंपेंसेशंस का इम्पोर्टेंस है और उसकी ज़रूरत क्या है, तो कौन से कंपेंसेशन इसमें आपको खास पढ़ना है। एक तो रहेगा लेंथ कंपेंसेशन रहेगा, ठीक है, टूल लेंथ कंपेंसेशन, और दूसरा कंपेंसेशन रहता है रेडियस कंपेंसेशन, ठीक है। तो ये दोनों जो कंपेंसेशन ये एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ये दोनों आपको पढ़ने हैं, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप डायरेक्टली पार्ट प्रोग्राम पढ़ो, उससे बेटर है आप पहले ये जो कुछ थियोरी है वो आप अच्छे से कर लो। अगर वो आप थियोरी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये पार्ट प्रोग्रामिंग जो है वो बनाने में और आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट प्रोग्रामिंग देखे 54 ये ड्राइंग है, इसका पार्ट प्रोग्रामिंग पूछा है सी एन सी टर्निंग के लिए। फिर ये 55 ये वाला देखे पार्ट प्रोग्रामिंग, इसका वीडियो भी अवेलेबल है, तो इसको देख देख के आप ऊपर वाला जो टॉपिक है इसको देख के आप ये वाला बना सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आपको अलग से इसका वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये वाला वीडियो चाहिए, तो मैं इसका प्रोग्रामिंग आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 56, तो ज़्यादातर देखिए मैंने प्रोग्रामिंग के वीडियोस बनाए हुए हैं। 56 ये वाला भी पार्ट प्रोग्रामिंग अवेलेबल है, इसके बाद 57 का भी अवेलेबल है, ठीक है। 58 का आप ऊपर से देख के आप बना सकते हो, 59 का भी बना सकते हो, और 61 का भी अवेलेबल है। देखिए तो 62, 63 ये आपको खुद करना है, और अगर आपसे ये नहीं समझ आ रहा, आपसे नहीं बन रहा है कोई भी प्रोग्रामिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके बाद देखिए और पार्ट प्रोग्रामिंग है मिलिंग के, तो मिलिंग में भी 63 आप देख सकते हो ये कंपोनेंट। 64 ये वाला देखिए कंपोनेंट का यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है, तो ये वाला आप सीख लीजिए और इसको देख देख के ऊपर वाला जो 63 नंबर का है ये आप ट्राई करिए, ठीक है। और ये वाला भी वीडियो अवेलेबल है 65 नंबर। इसके बाद देखिए कुछ और रहते हैं, जैसे कि कैंट साइकिल्स रहता है, मैक्रो प्रोग्रामिंग रहता है, डू लूप्स रहता है, और सब रूटीन के प्रोग्रामिंग्स रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या पूछा है, कैंट साइकिल की शॉर्ट नोट पूछी हुई है यहाँ पे, इसके बाद मैक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में भी पूछा हुआ है थोड़ा बहुत, ये रहा सब मैक्रो प्रोग्रामिंग है। और इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये वाला आप छोड़ दीजिए। डू लूप्स पूछा है, डू लूप्स, ठीक है, तो ये भी विंटर में पूछा है, तो ये आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, बाकी चलता है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। फिर सब रूटीन, तो सब रूटीन देखे ये रहे सब रूटीन्स, फिर फंक्शंस, एप्लीकेशन, लेटेस्ट पेपर में सब रूटीन पूछा है। देखिए अब सब रूटीन के भी एग्जाम्पल्स है, तो ये वाला तो देखिए वीडियो अवेलेबल है, तो आप यहाँ से वीडियो में देख देख के इसके प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, और अगर ये सीख लोगे तो आपको ये वाला नीचे जो 84 नंबर ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बाकी सारे बनाए नहीं, क्योंकि ये इतने आसान रहते हैं कि अगर एक सीख जाते हो तो बाकी सब देख देख के हो जाता है, ठीक है।
तो ये भी आपको खुद ट्राई करने हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। 89 वाला देखिए, ये भी अवेलेबल है ड्रिलिंग का, ठीक। फिर इसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5, जो रिसेंट ट्रेंड्स रहते हैं। तो रिसेंट ट्रेंड्स में एडेप्टिव कंट्रोल रहता है, तो ये आप पहला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये ब्लॉक डायग्राम पढ़ लेना है एडेप्टिव कंट्रोल का। FMS, तो FMS के तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसमें अलग अलग तरीके से FMS पूछते हैं। तो इसके अंदर तो देखिए डेफिनेशन रहती है, फिर इसके एलिमेंट्स रहते हैं, एप्लीकेशंस रहती है, और उसके टाइप्स रहेंगे, ब्लॉक डायग्राम रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। तो देखिए इतना है, FMS में आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, है ना। टॉपिक जो छोटा है, मतलब टॉपिक के अगर आप बोलना चाहो तो ऐसा ही बोलना है कि FMS पढ़ना है, बट FMS के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है, ठीक है। फिर इसके बाद CIM में भी कुछ ऐसा ही है। तो CIM में भी देखिए ब्लॉक डायग्राम रहेगा। ब्लॉक डायग्राम तो सबसे पहले ही करना है आपको, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। फिर इसका स्केच है, एडवांटेज एलिमेंट्स, ये सब आप या ये जो PDF उसमें देख देख के आप कर सकते हो। उसके बाद रोबोटिक्स से देखें तो रोबोटिक्स के कंपोनेंट्स, उसका डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन खास पढ़ना है, देखिए क्लासिफिकेशन पूछते हैं, और एप्लीकेशंस भी पूछते हैं, अगेन क्लासिफिकेशंस है कुछ, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबोट का। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पूछा है, तो आप कोई बात नहीं है छोड़ सकते हो। फिर रोल पिच यो ये आप पूछ सकते हैं एग्जाम में, पिच एंड यो, पिच रोल और यो। फिर इसके बाद फोर टाइप्स ऑफ मोशन और रोबोट मैनिपुलेटर कैन मेक, ठीक है, ये भी पढ़ना है। एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट इन ऑटोमोबाइल, एप्लीकेशंस इन मिलिट्री, ठीक है। और उसके बाद रोबोटिक सिस्टम के कुछ टर्मिनोलॉजी। और इसके बाद जो इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक, रैपिड प्रोटोटाइप। तो रैपिड प्रोटोटाइप भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखिए डेफिनेशन तो हर एग्जाम में पूछी है, और उसके बाद उसका जो एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ लेना, उसकी टेक्निक्स है, स्टेप्स, और देखिए टेक्निक्स है और एप्लीकेशंस है। तो ये सब है रैपिड प्रोटोटाइप के बारे में, ठीक है। सो ये थी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF। और जिसको भी ये PDF डाउनलोड करनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से में जो लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको डाउनलोड नहीं कर रही, तो ये वीडियो तो वैसे फ्री है, तो यहाँ से आप धीरे धीरे अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें अंदर आप जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ टिक कर सकते हो, और वही क्वेश्चन आपको खास पढ़ के जाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।